हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपको आज स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के बारे में बताने वाला हूँ। रेगुलेटर को हम बोलते हैं हिंदी में क्रम स्थापित करने वाला। जैसे कि फैन का रेगुलेटर आपने देखा होगा, जो कि आपको क्या है स्पीड को कम ज्यादा करने के काम आता है, उसी तरह से क्या है रेगुलेटर बहुत सारी जगह अन्य अन्य जगह अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पुलिस क्या है एक प्रकार का रेगुलेटर का काम करता है, जो कि क्या है लोगों को नॉर्मल इंडिविजुअल पीपल लोगों को क्या है रेगुलेट करने का काम करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपने रूल्स को या फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या किसी को परेशान करता है या वो क्या है पब्लिक पीस को हारमनी को डिस्टर्ब करने का काम करता है, तो उस केस में क्या है पुलिस जो है रेगुलेटर के एज ए एक्ट करती है और वो क्या है फंडामेंटल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है उस आदमी को क्या है दंडित करती है या रेगुलेट करने का काम करती है, जिससे कि वो आदमी क्या है अगली बार गलत काम ना कर सके। उसी तरह से क्या है स्टॉक मार्केट में भी रेगुलेटर होता है, जो कि क्या है लोगों को रेगुलेट करने का काम करता है, जिसके कारण कि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो सके। अब स्टॉक मार्केट में क्या है लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और जो भी आदमी या इंडिविजुअल या एंटिटी कॉरपोरेट एंटिटी इंडिविजुअल एक्सेट्रा जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। ये कुछ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या कंपनी हो सकती है या हेज फंड हो सकते हैं या पेंशन मैनेजमेंट फंड हो सकती है एक्सेट्रा, ये सब को बोलते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट। जैसा कि पहला एक क्या होता है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स होता है, जैसे कि हम आप भाई लोग। दूसरा होता है NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो कि क्या है बाहर से अलग अलग देश में क्या है रहते हैं और इंडिया में क्या है बाइंग और सेलिंग करते हैं। और क्या है डोमेस्टिक AMC होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि HDFC AMC आदित्य बिरला AMC एक्सेट्रा। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं, जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसी तरह से क्या है फॉरेन इंडिविजुअल भी रहते हैं या फॉरेन एंटिटी भी रहती है, जैसे कि जो कंपनी जो है बाहर अलग देशों में जो रजिस्टर्ड हैं सिंगापुर में, जैसे कि अमेरिका में, नॉर्वे में, स्वीडन में एक्सेट्रा, वो जनरली क्या हैज फंड हो सकते हैं या वो पेंशन मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है या वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है एक्सेट्रा। ये सभी इंडिविजुअल के स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं और सबका गोल यही रहता है कि वो क्या पैसा बनाए। और यहाँ पैसा रहता है स्टॉक मार्केट में, तो जिसके कारण कि क्या ग्रीड और फियर दो प्रकार के इमोशन आ जाते हैं। अब इस इमोशन के कारण के आदमी लोग इस इमोशन में गिर के जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस में इवॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण कि क्या है ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि कोई आदमी अगर कोई ज़्यादा पैसा डंप करके वो भाव को ऊपर ले जा रहा है, तो कई बार क्या है जो कर रहा है उसको तो पता है और बड़े बड़े क्लाइंट को पता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हर्षद मेहता, जो कि क्या है पंप एंड डंप स्कीम की है, जो कि अलग अलग मनी मार्केट या अलग अलग जगह से पैसा उठा के स्टॉक मार्केट को क्या है पंप कर दिया, जिसके कारण कि कई सारे शेयर जो है बहुत ऊपर भाग गए और उसके बाद क्या है वो गिरना चालू कर दिए, जिसके कारण कि मैनिपुलेशन हो गया स्टॉक मार्केट में। इसी तरह से कई और भी इनसाइडर ट्रेडिंग होते हैं या NSE स्टॉक एक्सचेंज के स्कैम हो गया या केतन पारिक का स्कैम हो गया, जो ब्रोकर रहते हैं उन लोग स्कैम कर देते हैं कई बार। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या क्या है हर देश में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए उनकी सरकार काम करती है और इसके लिए एक पर्टिकुलर एंटिटी बनाती है। और भारत की वो एंटिटी जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है उसका नाम है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम ये है कि वो चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते करे कई सारे ब्रोकरों के बीच कि वो फेयरली अपना काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सब ब्रोकर अपने से अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है क्या, जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट में कैश पाइल अप है क्या उन लोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं क्या अपने फायदे के लिए, क्या अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपना बिजनेस फेयरली कंडक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सब कई सारी चीजें हैं जिसको कि क्या है SEBI देखते हैं और क्या है ये सब चीजों को क्या है अनरेगुलेट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या है कि स्टॉक मार्केट का ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप हो सके, रिटेल इन्वेस्टर जो है
उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो स्टॉक मार्केट में, ये सभी काम जो है सेबी के हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जानकारी के लिए हमारे चैनल दबंग इंग्लिश को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।